आम लोगों और मरीजों की शिकायत पर एक क्लिनिक को प्रशासन ने सीज कर दिया। इस क्लिनिक के लोगों पर इलाज के नाम पर धोखा देने और मोटी रकम वसूलने के आरोप लगे हैं। काशीपुर में अवैध रूप से चलाए जा रहे क्लिनिकों द्वारा पित्त की पथरी, गुर्दे की पथरी, गांठ, बच्चेदानी की गांठ, रसौली, लीवर रोग, आंखों के रोगों के साथ सैकड़ों ऐसी बीमारियों का इलाज करने का दावा किया जाता है जिनके विशेषज्ञ इनके पास होते ही नहीं है, और इन बीमारियों का इलाज करवाने लोग सामान्य तौर पर बड़े अस्पतालों में जाते हैं। वहीं कुछ झोला छाप डॉक्टर इलाज के नाम पर झांसा देकर मरीजों से मोटी रकम वसूलने का काम कर उसके साथ धोखा करते हैं। काशीपुर के मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी में गलत तरीके से चल रहे दिल्ली होम्यो क्लिनिक की लगातार मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उप अधिकारी को शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के बाद दिल्ली होम्यो क्लिनिक को सीज किया गया। पहले जो है शिकायत प्राप्त की गई थी मोहल्ले वासियों द्वारा की गई थी कि यहाँ पर एक डॉक्टर साहब हैं जो कि दिल्ली होम्यो क्लिनिक में बैठते हैं और वो कुछ औषधि, कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं, दवाई देते हैं जिससे कि पित्त की पथरी निकल जाती है। इस तरीके का कह के जो है इलाज कर रहे हैं, जबकि अभी हमारे पास हमारे मोहल्ले में कुछ लोगों ने इलाज भी लिया, किसी की पथरी नहीं निकली है, तो कृपया करके इसका निरीक्षण किया जाए। तो इसकी लेटर जो है एक नगर स्वास्थ्य अधिकारी, एक हमारे लिए, डीएम साहब के लिए, सीएमओ साहब के लिए और एसडीएम साहब को चिट्ठी भेजी गई है, जिस पर कि आज कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई से ये पता चला है कि इन्होंने जो डिग्री कर रखी है वो बीईएमएस डिग्री है, इसका मतलब हुआ बैचलर इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जो कि हमारी उत्तराखंड सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है और इसमें ना ही हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट इसको रजिस्टर कर सकती है, ना ही हमारे जिलाधिकारी, वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो इनके पास ना सीईए का रजिस्ट्रेशन है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की कोई एनओसी इनके पास नहीं है, और इसमें जो कूड़ा निस्तारण का होता है वो भी इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, इसलिए जो है उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार आज ये दुकान सील की जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।